इक्वल टू डिफरेंशियल कॉफिशियंट। डिफरेंशियल कॉफिशियंट सबसे पहले आदमी भाषा पे काबू करता है कि कोई बड़े बड़े गिटर पिटर शब्द बोल करके उसको हैरान ना कर दे। कौन बहुत सी बकवास सी बात को इतने अच्छे तरीके से पेश किया, ठीक है ना, वो जैसे मेनू में होता है ना, बाद में आपको बता रहा है साला छाछ दिए इसने इतनी देर, छाछ देके गया ये बेवकूफ, क्या बोल रहा था पता नहीं, मेरे को समझ नहीं आया, कोई व्हाइट कलर का ये और वो विद गार्निश दिस दैट, और ये छाछ दिए से। तो आपको सबसे पहले क्या भाषा पे काबू करना पड़ता है, ठीक है, हाँ, ताकि आपको कोई 500 रुपए की चेपी ना लगा दे, समझ रहे ना, हाँ ठीक है। अरे ये क्या 500 की चेपी लगा गया, तो कुछ नहीं मिला, छांस देके गया 500 रुपए में, ठीक है, हाँ वो पता नहीं एक जलता हुआ ऐसा धुआं धुआं फैला के लाते हैं, बाद में ये चावल सीजलर, हाँ ये 350 रुपए के एक कटोरी चावल, एक कटोरी चावल 350 के, हाँ अच्छा चलिए आगे चलते हैं। डेरिवेटिव इज इक्वल टू डिफरेंशियल कोफिशिएंट। अरे हाँ आजकल तो वो आने लग गया ना, देखा होगा आपने, एक वीडियो देखा मैंने कल परसों किसी के अंदर, जिसमें वो चावल जो होता है ना उसको साउथ इंडियन है कुछ लोग ऐसे ऐसे करके, ठीक है ना, और फिर बाद में बदला यूं करा बॉल की तरह उछलने लग गया, वो तो बॉल है, वो तो प्लास्टिक है, प्लास्टिक के चावल आ गए ना आजकल मार्केट में, आप पता नहीं कितने कटोरी खाते थे, आप दिमाग मत लगाओ, ठीक है, कुछ दिन बाद तो अपने से टक करेंगे ना, तो पता चला प्लास्टिक की बॉडी हो गई हमारी, ठीक है। पुराने जमाने के लोग ऐसे करते ना, टन की आवाज आती है ना, अब ठक की आवाज आएगी, ठीक है। डिफरेंशियल कोफिशिएंट इधर दिमाग लगाते हैं, ठीक है, हाँ भाई इधर।